नमस्कार, डीएनएक्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस लगभग 15 माह हो गए भारत को इसकी चपेट में आए हुए और पूरी दुनिया को 2 वर्ष। पूरी दुनिया में इससे निजात पाने का एक ही समाधान बताया जा रहा है, वह है वैक्सीन। पहला, तुरंत काम पर ना जाए। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो तुरंत काम पर जाने से बचे, आराम करें। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2-3 दिनों तक बिल्कुल आराम करें। कुछ लोगों को वैक्सीन के तुरंत बाद तो कुछ लोगों को 24 घंटे के बाद साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक अपनी सेहत पर ध्यान दें। भीड़ भाड़ में जाने से बचे। अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है तो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। यात्रा ना करें। भले आपने वैक्सीन लगवा ली हो, आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। गाइडलाइन में वैक्सीन लगवाने के बाद भी यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। सिगरेट और शराब ना पिए। अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इससे दूरी बना लें। कम से कम 3 दिनों तक बिल्कुल भी शराब ना पिए। इसके अलावा आपको बाहर का और तला भुना खाना खाने से बचना चाहिए। डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नजर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की वैक्सीन लगवाने से पहले थी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए जरा सी भी लापरवाही से आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। हाइड्रेट रहें। वैक्सीन से तुरंत पहले और बाद में खुद को हाइड्रेट रखें। अपनी डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करें, इससे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। वर्कआउट ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू में दर्द होना आम बात है, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट ना करें, वरना आपके हाथ का दर्द और बढ़ सकता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।